जी, तो ये वो वाला ऑर्डर था जिससे मैंने $180 इससे अर्न किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि $144, क्योंकि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने एक अच्छा सा यहाँ पे फीडबैक दिया होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमर सोहेल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर $180 को अर्न किया है। मैं बकायदा आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे क्लाइंट ने मुझे रिक्वायरमेंट सेंड की, किस तरह मैंने आगे उससे प्रोजेक्ट को लिया और कैसे मैंने आगे उसको प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई किया। तो ये बहुत ही वैल्यू पैक वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बकायदा करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उस प्रोजेक्ट को हैंडल किया, क्या क्या चीज़ें मैंने उसके अंदर अप्लाई की और किस तरह मैंने क्लाइंट को फिर डिलीवर किया, जिसकी वजह से उसने मुझे $30 टिप भी दी। ऑर्डर था $150 का, लेकिन क्लाइंट ने मुझे $30 टिप भी दी, क्योंकि मैंने उसको वैल्यू प्रोवाइड की थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या वैल्यू मैंने उसको प्रोवाइड की थी। तो आपने वीडियो एंड तक लास्ट भी देखनी है, बहुत ही मजे की वीडियो होने वाली है। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। जी, तो ये वो ऑर्डर था जिससे मैंने $180 इससे अर्न किए, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि $144, क्योंकि आपको पता है कि 20% फाइबर की फीस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि मैंने $144 है जो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ भी मैंने बकायदा इसको $150 का ऑर्डर था, लेकिन क्लाइंट ने मुझे $30 टिप भी दी थी, क्योंकि मैंने इसको वैल्यू प्रोवाइड की थी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने एक अच्छा सा यहाँ पे फीडबैक दिया होगा कि एब्सोल्युटली गॉर्जियस। लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन का शायद इससे लगा हो कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं हुई, तो इसने फोर स्टार दे दिए। तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स अगर आपके ऑर्डर्स पहले ज़्यादा होना तो आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में, तो आपको फिर सोच समझ के ही करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि मेरे ऑर्डर से 800 ऑर्डर्स ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका था, तो मुझे इतनी आईडी पे इतना मेरा वो फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखें $30 तो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि $150 का ऑर्डर था और $30 इस क्लाइंट ने मुझे टिप दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखे, इसने यहाँ पे इतना 5 स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे इसने 5 स्टार दिए हुए हैं। अब मैं बकायदा आपको दिखाऊंगा कि क्या क्लाइंट ने मुझे रिक्वायरमेंट सेंड की थी और कैसे उसे मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई किया था, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मुझे क्लाइंट का मैसेज आया था कि हाई देयर, आई रियली लाइक योर वर्क, ठीक है। यानी ये देखें, यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि आप इमेजेस अच्छी यूज़ किए हैं, क्योंकि इमेजेस क्लाइंट की जो नज़र सबसे पहले पड़ती है ना, वो आपकी इमेजेस के ऊपर पड़ती है, ठीक है। अगर आपकी इमेजेस अच्छी होगी तो क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट भी होगा ना, वो भी आपकी तरफ आएगा, यानी जिसका एक अच्छा ब्रांड होगा या कोई अच्छी एजेंसी होगी, वो भी क्लाइंट आपको फिर ऑर्डर देगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जिसने लिखा हुआ, आई लाइक योर वर्क, आई नीड अ डिजाइन फॉर यूनिक शेप लेबल्स फॉर माय लिप ग्लॉस पैकेजिंग। इसका कोई लिप ग्लॉस पैकेजिंग थी जिसके लिए इसको एक स्टिकर चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस पर यहाँ पे इसके 6 शेड थे, ठीक है। यहाँ पे इसने मुझे बताया कि हमारा ब्रांडिंग कलर है वो ब्लैक एंड गोल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मज़े की बारिश ने मुझे सिर्फ ये भी बता दिया कि आपने जो बैकग्राउंड है वो गोल्ड होना चाहिए और लाइटिंग ब्लैक होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको क्लाइंट को दिखाना होता है कि आप क्या चीज़ उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। मैंने जो टेक्स्ट है वो ब्लैक रखा था और जो मैंने जो टेक्स्ट है वो गोल्ड रखा था और जो बैकग्राउंड है वो मैंने ब्लैक रखा था, ठीक है। क्योंकि इसने मुझे उल्टा बताया, लेकिन मैंने इसके ऑपोजिट किया, क्योंकि जब पहले बार ट्राई किया रहा था तो मुझे वो इतना खास नहीं लगा था, ठीक है। उसको मैंने दिखाया भी था, लेकिन और उसको मैंने ये भी बताया था कि इतना ही अच्छा नहीं लग रहा। मैंने फिर इसको जो लेटर्स है वो मैंने गोल्ड करके दिखाया और जो बैकग्राउंड है वो मैंने इसको ब्लैक करके दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझे बहुत अच्छी चीज़ करके दे दी थी कि इसने मुझे बाकायदा फॉन्ट का नाम बता दिया था, ठीक है, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक चीज़ ईजी हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या उसने मुझे जो रिक्वायरमेंट सेंड की थी, यानी क्लाइंट से आपने पूछना होता है कि आपने, अगर आपके पास कोई सैंपल है तो आप मुझे सैंपल सेंड कर दें, या कोई आपका इंस्पिरेशन डिज़ाइन है वो आप मुझे सेंड कर दें, और अगर आप लेबल पैकेजिंग की डिज़ाइन अगर आपकी क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्लाइंट से पूछते हैं कि मुझे आप उसका साइज़ बता दें, ठीक है, मतलब जो साइज़ का लेबल बनाना है और कलर स्कीम वगैरह बता दें। ये चीज़ें सारी मैंने उससे पूछी थी, ठीक है। तो इसने मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें सेंड की थी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने मुझे बकायदा एक टेक्सचर सेंड किया था कि मुझे इस तरह का टेक्सचर चाहिए, ठीक है। यानी इस तरह का टेक्सचर आप टॉप पे यूज़ कर सकते हैं या किसी जगह पे भी, यानी एक बकायदा इसने मुझे एक सैम्पल बता दिया था कि मुझे इस तरह का टेक्सचर चाहिए, ठीक है। देखें, अब ये इसका जो ब्रांड का था वो नेल पेंट थी, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये इसके जो टॉप के पार्ट के ऊपर है ना, यहाँ पे उसका स्टिकर आ रहा था, बिल्कुल इतना सा, बिल्कुल छोटा सा स्टिकर था, और उसके इसने मुझे $180 पे किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये मुझे बकायदा इसका साइज भी बता दिया था। यहाँ पे ये देखे, ये चीज़ थी सिर्फ ये चीज़ मैंने बनानी थी, लेकिन इसकी जो शेप थी शायद ओवल शेप थी, तो मुझे थोड़ा सा ना साइज का इशू आ रहा था, ठीक है। तो वो भी मुझे बाद में फिर समझ आ गई थी, ठीक है। तो यह मैं आपको बताता हूँ,
बकायदा मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या इस चीज़ इसको बना के दिखाई और क्या मैंने इसको फिर डिलीवर किया। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको 6 शेड्स बना के दिए थे। इसका एक वर्क था, ये 6 शेड्स है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसने जो टेक्सचर दिखाया था ना उसको सिर्फ मैंने ट्रेसिंग वगैरह की थी, उसको मैंने यहाँ पे गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, मैंने गोल्ड ग्रेडियंट्स में कन्वर्ट कर लिया था। ये बहुत ईजी होता है, अगर आपको गोल्ड ग्रेडियंट नहीं बनाना आता, आप बकायदा उसको गूगल वगैरह पर सर्च करें गोल्ड ग्रेडियंट, तो वो कलर सर्च कर सकते हैं, तो बकायदा आपको मिल भी जाता है। ठीक है, और उससे आपने सिर्फ यहाँ इस टूल से, ये वाले टूल से, ठीक है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें, ये जो फॉन्ट है ना, यहाँ पे मैं वही वाला लेमन मिल्क जो उसने मुझे फॉन्ट बताया था, मैं वही वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, मेड इन यूएसए। सिर्फ मैंने ये चीज़ करनी है। ठीक है, और इस चीज़ का इसने मुझे $180 इसने पे किया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस नीच के अंदर आना चाहते हैं तो आप भी इस नीच के अंदर आ सकते हैं और आप बकायदा इस नीच कर भी सकते हैं या आउटसोर्सिंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी नीच है, यानी आप खुद इमेजिन करें कि जितने भी बाहर के लोग हैं, यूएस के लोग हैं या यूके के लोग हैं, वो हर बंदा अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है और उसके बकायदा प्रोडक्ट लाइन बनाता है, यानी उस बंदे के एक लेबल नहीं होते, उसके यहाँ तो 7 लेबल हो गए या पूरे पूरे प्रोडक्ट लाइन होती हैं। तो एक बहुत ही मजे की नीश है, क्योंकि इस पर कंपटीशन भी बहुत कम है, तो शायद मेरे बताने के बाद अब शायद कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाए या आप लोग भी इसके ऊपर बनाना स्टार्ट कर दें। तो क्योंकि मेरा खुद इसका एक्सपीरियंस है, मैं भी चाहता हूँ कि आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करूँ, तो आप इसके ऊपर गिग्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया था कि मैंने सिर्फ एक गोल्ड ग्रेडियंट को दिया, इसको यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर दिया। अब यहाँ देखें, ये एक सेपरेट ब्लेयर बनी है बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे एक सेपरेट बनी हुई है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ना सिर्फ कॉपी किया था यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे मैंने कॉपी किया था। ये देखें, इसको मैंने पकड़ा और यहाँ से मैंने इसको सिर्फ आर्ट दबा के ना इसको ऐसे होल्ड किया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी ले ली। ठीक है, इसकी यहाँ मैंने कॉपी ले ली और इसको मैंने कंट्रोल डी करता गया। ठीक है, अभी देखिए इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ कंट्रोल जेड करेंगे तो दोबारा उसी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने सिर्फ की थी, यहाँ पर अप्लाई की थी। ठीक है, और इसकी मैंने ओपेसिटी कम कर दी थी, सिर्फ मैंने इतना सा काम किया था और जो बैकग्राउंड है उसका ब्लैक कर दिया था। ठीक है, अब यही चीज़ फिर मैंने उसके आर्ट बोर्ड है उसकी कॉपी करता गया और सिर्फ मैंने सिर्फ टेक्स्ट चेंज करता गया। ठीक है, नाम जो थे उसके। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ की थी, इसके मुझे इसने $180 पे कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही मज़े की क्लाइंट मुझे मिला था और ये बकायदा एक मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि कैसे मैंने क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे पता क्या सीन है, यहाँ पे ना क्लाइंट को इश्यू आ रहा था कि उसका साइज़ का इशू था, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था लेकिन उसका एक हफ्ते के बाद, यानी एक वीक के बाद मैसेज आया कि हमें क्लाइंट का उसका साइज़ का इशू आ रहा है, तो आप हमारे साइज़ को फिक्स कर दें। अब यहाँ मैं जाता तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखते कि अगर आपका एक मंथ का टाइम हो गया, दो मंथ का टाइम हुआ है, तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज करना बनता भी है, लेकिन अगर आपको 2-3 दिन हुए हैं या एक वीक भी हुआ है, तो आप उसी के अंदर, आप अगर आप छोटी सी चीज़ है, मतलब आपने सिर्फ साइज चेंज करना है या कोई टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप ये ना किया करें कि आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट कर दें, ऐसे क्लाइंट भी फिर आपको अगली दफ़ा नहीं आएगा। ठीक है, यानी अगर आप 2 दिन का सिर्फ उसका टाइम है उसके अंदर आ रहा है या 3 दिन के टाइम के अंदर आ रहा है या हफ्ते के अंदर टाइम के अंदर आ रहा है और माइनर से चेंजिंग है, तो आप उसको कर दिया करें। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको, यहाँ देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जो क्लाइंट ने अपने जो प्रिंटर पर्सन को सेंड किया था ना, ठीक है, उसको यहाँ पे इशू आ रहा था कि उसका साइजिंग का ठीक है। ठीक है, उसने यहाँ पे बताया था कि जो यहाँ पे 12.5 आएगा बाई 6.3 mm हमें साइज चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखें 12.5 mm के अंदर यानी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसको बकायदा करेक्ट करके उसको बकायदा वहाँ पे सेंड किया। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने पूरे एक हफ्ते के बाद मुझे उससे सिर्फ चेंजिंग करने की वजह से उसने मुझे उस ऑर्डर पे जाके दोबारा मुझे $30 टिप दी। ठीक है, तो इस तरह मैंने उसको अपने क्लाइंट को एक वैल्यू प्रोवाइड की थी, इसलिए उसकी वजह से उसने मुझे टिप भी दे दी। तो मुझे भी आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, मैंने आपको बकायदा बताया कि कैसे क्लाइंट ने मुझे रिक्वायरमेंट सेट थी और कैसे मैंने उसको डिजाइन के अंदर अप्लाई किया था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बकायदा कम्युनिकेशन बताऊं कि मैंने कैसे क्लाइंट के साथ बकायदा कम्युनिकेशन करता हूं, क्या क्या चीज़ें मैं उसको कहता हूं जिसकी वजह से मुझे ऑर्डर मिल जाता है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, मैं आपको वो चीज़ भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं
मैंने वीडियो कुछ और रखी है तो ताकि आपको आगे आसानी हो देखने में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इस तरह के मजीद वीडियोज़ लेके आया करूँगा। तो आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।